जय हिंद दोस्तों, ये दुनिया आपकी है। आप इस पर राज कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि करना क्या है, राज करना है या राज करवाना है। अगर आपको राज करना है तो आपको मेहनत करना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इत्तेफाक से इतना बड़े बन गए हैं। ऐसे होता है गांव समाज में कि बहुत सारे लोग होते हैं जो धनी होते हैं, उनके पास धन दौलत गाड़ियाँ ये सब होती है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि इत्तेफाक से बन गए। लेकिन उनको ये पता नहीं होता इत्तेफाक से बनने के लिए, उन इत्तेफाक के लिए मेहनत की गली से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो हासिल होती है। इसी तरह नहीं है कि मिल जाता है अपने आप, कुछ चीज़ नहीं मिलता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये दुनिया खुली पड़ी है, ये बोल रही है आइए हम पे राज कीजिए, हम खुले हैं, लेकिन राज करने के लिए आपको कुछ त्याग देना होगा। इसी तरह नहीं है कि क्या जाकर आप राज कर लीजिए, कुछ करना पड़ेगा आपको। त्याग मतलब मेहनत करना पड़ेगा आपको, जी जान से इसमें लगा देना होगा, जी जान एकदम मेहनत, कड़ी मेहनत करना होगा। आपको एक लक्ष्य तय करना है कि मुझे इस फील्ड में जाकर इस देश में राज करना है, इस दुनिया पे राज करना है इस फील्ड में। आप ये मत समझिएगा पूरा दुनिया आपकी है आपकी दुनिया, लेकिन किसी एक फील्ड को चुनिए। पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश मत कीजिए, इसके लिए प्राकृतिक है। आप किसी एक फील्ड को लीजिए और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, हमेशा लगातार मेहनत करते रहिए। दोस्त बहुत सारे लोग हैं इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ आएगी और पीछे की तरफ अपना रुख बदल लेंगे। लेकिन सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा, उसका पानी ठहर जाएगा और सूखकर नष्ट हो जाएगी। उसी तरह अगर हम लोग बीच में ही बहना छोड़ देंगे, बीच में ही चलना छोड़ देंगे, बीच में ही मेहनत करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा, हम लोग भी ठहर जाएंगे और सूख जाएंगे, और ऐसा सूखेंगे कि आने वाली पीढ़ी में कोई पानी डालने वाला भी नहीं होगा। इसलिए दोस्त, अगर आपको सब जीवन सुखी रखना है, अपने आप को सुखी रखना है, इस समाज को सुखी रखना है, इस देश को सुखी रखना है, इस वर्ल्ड को सुखी रखना है, तो अपने आप को मेहनत करना होगा, अपने आप पर काम करना होगा। खुद पे काम कीजिए, दूसरे पर काम करना बंद कीजिए, खुद पे काम कीजिए कि क्या कमी है आप में, क्या आप बहुत सारे आपके उम्र या हमारे उम्र के लोग बहुत सारे कुछ कर लिए लेकिन हम लोग नहीं किए, क्यों, हमें कुछ कमियाँ रही होगी, हमारे सोच में कुछ कमियाँ आए। इसलिए दोस्त, सब कुछ आपके लिए तैयार किया गया है, लेकिन आपका सोच आप उसके लिए आपको प्रेरित नहीं करता है, इसलिए आप उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। आप मेहनत नहीं करते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्त कारें, बड़ी बड़ी कारें, BMW लग्जरी कारें हैं, ये सब किसके लिए है, इंसान के लिए बनाया गया, हम लोगों के लिए ही लिए बनाया गया है, लेकिन क्या हम लोग उस पर जल्दी से ले सकते हैं उसको, नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग उसको ले सकते हैं। दोस्त एक बात बताता हूँ, आपका आँख हमेशा देखती है, कान हमेशा सुनता है, किसके लिए, केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है और संदेश देती है कि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सके, किसके लिए, अपने लिए। अगर आप अच्छा हैं तो इस संसार में सब कोई अच्छा है, अगर आप बुरा है ना तो सब कोई बुरा है। ऐसे भी होता है, अगर आप दुखी हो तो आप संसार को दोष देते हो, कोसते हो कि ये संसार बहुत गलत है, लेकिन संसार गलत नहीं है, गलत आप हो। संसार वैसी नहीं जैसे तुम सोचते हो, संसार वैसी है जैसे तुम हो, जैसे आप हो उसी तरह संसार है। अगर आप बदल जाते हैं तो संसार भी बदल जाएगी। इसलिए दोस्त, खुद को बदलो, अपने सोच को बदलो और आगे बढ़ो। ये दुनिया आपकी है, आप जैसे चाहते हो उसी तरह ही आपके मुट्ठी में रहेगी। दोस्त एक आपको कहानी बताता हूँ, जैसे कि आप जाते हैं किसी शोरूम, शोरूम समझते हैं गाड़ी का शोरूम में आप लोग जाते हैं, उस गाड़ी में सेल्समैन सबको बताता है कि यह गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है सर, यह गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, न कि हमारे लिए, यह गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। वो सेल्समैन को बेचना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि कैसे करे ये आदमी इस गाड़ी को खरीदे। वो जितना भी सामान होता है ना उसके पूरे डिटेल से आपको बताता है, पूरा सुविधाएँ आपको देती है, बताती है ये गाड़ी आपके लिए, आपके लिए, यहाँ पे गौर कीजिए, आपके लिए बताता है। इसलिए हम खुद क्यों ना सोचें, ये दुनिया हमारे लिए है, आपके लिए है, आप चाहे तो जो कुछ करना चाहते हैं इस दुनिया के साथ उस तरह से आप कर सकते हैं, बशर्ते आप एक फील्ड चुनिए, एक काम चुनिए कि हमें करना क्या है, यह निर्धारित कीजिए करना क्या है आपको। अगर कुछ करना है बड़ा तो आप गोल निश्चित कीजिए, उसके प्रति आगे बढ़िए और लगातार मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंदी।